सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त DGISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुठो सवण आहे। पीपीए वाज़ी करे चुकी आहे त लॉन्ग मार्च पिंडी न पर इस्लामाबाद तरफ थींदो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त PTI हुकूमत जी नाअली सबबि इदारनि जी साख ते सवाल थी रहिया आहिनि। नासिर हुसैन शाह जो चवणो त असां सियासी वर्कर आहियूं, पिज़ा खाई सघूं था, बिरयानी ऐं चांहि बि हली सघंदी। PTI सरकार हर शोबे में नाकाम थी वई आहे। हिन चयो त गुडू थर्मल पावर हाउस में ब्रेकडाउन जो असर सॼे मुल्क ते कीअं पियो। हुकूमत अञा ताईं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई नाहे कई। काफ़ी अरसे से जो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी कारकर्दगी जिनकी हो गई थी, बेहतर हो गई थी जब से वो सिंध गवर्नमेंट में थे, उनको फिर एक नोटिफिकेशन निकाल कर वफाक ने अपनी तहवील में ले लिया है। और सिर्फ इस वजह से कि हर जगह पर इन इदारों की तारीफ़ होती थी कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, और वो कारकर्दगी इस वजह से थी कि उसमें मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया और वहाँ पे बेहतरी लाए। अब इन बेहतर इदारों को दोबारा ख़राब करने के लिए वफाक ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। कोर्ट्स के आर्डर थे, हम लोग अपील में गए हुए हैं, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन पर भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वजाहत से कहा गया था कि जो भी अखराजात सिंध गवर्नमेंट के इन हॉस्पिटल्स पे हुए हुए हैं वो तमाम के तमाम उनको वापस दिए जाएं। लेकिन ये इनकी सिर्फ PTI की वफाकी हुकूमत की शोबदेबाजी, ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। आप देख लें कि इस दफ़ा जो इनका बजट है उसमें इन्होंने इन इदारों के लिए पैसे ही कितने रखे हैं, जो एक माह के अखराजात भी नहीं हैं। देखें, DGISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी, वो बहुत खुश आइंद, और जिस तरह की वहाँ पे उन्होंने बातें की, अच्छी बातें हैं, और चाय पानी पिलाने के लिए जो उन्होंने कहा उनकी मेहरबानी। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो वहीं होगा।